हेलो जी नमस्कार वेलकम टू एजुकेशन मैं अजय सर आज आपके लिए दो हजार तेईस में कंप्यूटर के सेट 28 यानी क्या आपका जो प्रैक्टिस सेट 28 है वो लेकर के आ गया हूँ इससे पहले जो भी आपका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 27 तक कंप्लीट हो चुका है आप उसे अपने बेहतर रिजल्ट के लिए कंप्यूटर में ट्वेंटी स्कोर करने के लिए आप उसे देख सकते हैं इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा ताकि आपको सारे कंप्यूटर का जो भी आपका है सेट प्रैक्टिस सेट वो लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में बेहतर स्कोर कर सकते हैं तो चलिए आज का जो सेशन हमारा होने वाला है वो प्रैक्टिस सेट क्या 28 यानी आपका जो कंप्यूटर क्लास आज होने वाला है वो 28 होने वाला है जो कि सेट प्रैक्टिस सेट ट्वेंटी के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है चलिए इससे पहले कि इस सेशन को मैं स्टार्ट करूं आप लोग क्या करना कि जितने भी आपका सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आप अगर आपको आता है तो सारा का जवाब आप भी कमेंट में फटाफट करते जाना और अंत में कमेंट करके ये बताना कि आपका टॉप ट्वेंटी में से स्कोर क्या रहा है ठीक है तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है हमारा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपके सामने की वीच ऑफ द्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भाई इसमें से कौन बता रहा है कि कौन जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या बता रहा है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें से कौन तो देखिए यहां पर है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर लिंक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से जो कौन आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जल्दी से बताइए चलिए कमेंट करके फटाफट बताइए कि राइट आंसर क्या होने वाला है कौन सा ऑप्शन होने वाला है चलिए मैं बता देता हूं कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर क्या लिंक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है कौन लिंक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी हा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एन ऑनर आइडेंटिफिकेशन एंड डोमेन बीट आर एसोसिएटेड विथ इट्स फाइल आर नोन एज भाई क्या कहलाता है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऑनर जो होता है पहचान और डोमेन बीट प्रत्येक फाइल के साथ जुड़े होते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है गेट के रूप में सेटविड के रूप में डोमिनोइड के या फाइल के रूप में जाना जाता है तो किसके रूप में जाना जाता है तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर स्टूड के नाम से जाना जाता है इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑनर आइडेंटिफिकेशन एंड डोमेन बीट आर एसोसिएटेड विद फाइल्स आर नोन एज स्टूएड्स क्या स्टूड्स ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इन रिलेशनल डेटाबेस इफ अ टेबल रिलेशनल डेटाबेस में यदि एक टेबल में एक से अधिक कैंडिडेट की होती है तो उनमें से एक को प्राइमरी की कहा जाता है तथा तो अन्य सभी कैंडिडेट की को क्या बोला जाता है कौन सा की बोला जाता है तो देखो यहां पर सिंपल की फॉरेन की अल्टरनेट की या कैंडिडेट की बोला जाता है तो भाई साहब इसमें से जो है इन रिलेशनल डेटा बेस इफ ए टेबल हैज मोर देन वन वन कैंडिडेट की देन वन ऑफ देम इज कॉल्ड प्राइमरी की एंड ऑल ऑफ द अदर कैंडिडेट की आर नोन एज अल्टरनेट की अल्टरनेट की ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या बता रहा है कि ऑल्टरनेट की ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हु इज़ फॉर ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द सिस्टम एट द टेक्निकल लेवल भाई बता रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक तकनीकी लेवल पर सिस्टम के समग्र नियंत्रण के लिए कौन जिम्मेदार होता है जल्दी से बताइए कौन जिम्मेदार होता है तो ऑप्शन आपको बता रहा है क्या बता रहा है कि डेटाबेस टेक्नीशियन टेक्निशियन दूसरा बता रहा है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या फिर टेक्निकल ऑफिसर या फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर बता दो क्या होने वाला है आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन नंबर विल द राइट आंसर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है यानी इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द सिस्टम एट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट देखो यहां पर क्या है नॉट है ना फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट जावा लैंग्वेज बता रहा भाई साहब की जावा लैंग्वेज को लेकर के इनमें से एक कथन जो है वो गलत है ठीक है सही नहीं है तो वो कौन है तो देखो क्या है जावा जावा ड नॉट इंक्लूड दी यूनिक स्टेटमेंट की बोर्ड कीवर्ड साइज ऑफ एन ए टाइप टाइप डेप दूसरा बता रहा है कि जावा इज एन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सी बता रहा है D बता रहा है कि इनमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट को परिभाषित करने का तंत्र है और डी बता रहा है कि जावा कंटेन्स द डेटा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्ट एंड यूनियन भाई बता रहा है कि इसमें से आपको नॉट करेक्ट अबाउट द जावा लैंग्वेज जावा लैंग्वेज के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी वो सही नहीं है बता रहा है कि जावा में डेटा टाइप स्ट्रक्ट और यूनियन होते हैं जी बिल्कुल नहीं है ना जी बिल्कुल नहीं तो ये मेरा बता रहा है कि ये कथन बेरा जो है सत्य नहीं है यानी नॉट करेक्ट यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द जावा लैंग्वेज कि जावा कंटेंट द डेटा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्ट एंड यूनियन ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इन कंप्यूटर द ए एल यू कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर में ए एल यू में होते हैं भाई देखो क्या एरिथमेटिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट होता है मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट होता है एरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट होता है या फिर लॉजिक यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है तो ए एल यू में क्या होते हैं भाई साहब तो ए एल यू में आपका होता है ऑप्शन नंबर सी क्या होता है

कमेंट करके बताते हो कि आपका स्कोर क्या है इससे मुझे पता चलता है कि आप किस प्रकार से तैयारी करवा रहे हो और मैं जबरदस्त इससे बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन लाने का द राइट आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वीच ऑफ यूज्ड एज द डायरेक्टिव इन आई बी एम पी सी असेंबली लैंग्वेज भाई आई एम आई बी एम क्या है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है ना क्या है आई बी एम यहां है पी सी पी सी का तो जानते ही हो पर्सनल कंप्यूटर और आईबीएम हो गया आपका इंटरनेशनल इंटरनेशनल Inter है ना इंटरनेशनल Business machine, है यह यह IBM, business machine, है है ना ये ये देखो आपका हो हो गया ठीक ठीक तो IBM और PC का तो और का आप जानते ही हो, personal computer, ठीक है? इसमें क्या बता रहा है इसमें बता रहा कि विच ऑफ दूस एज ए डायरेक्टिव इन आईबीएम पीसी असेंबली लैंग्वेज भाई साहब इसमें बता रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आईबीएम पीसी असेंबली भाषा में इंस्ट्रक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका रेडिक्स का नॉट का वर्ल्ड का नियर का तो भाई साहब बता दो जल्दी से कमेंट करके चलो फटाफट बताओ क्या किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है जल्दी से बताओ तो ऑप्शन नंबर वे विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है रेडिक्स जो है इस रेडिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है उपयोग किया जाता है किसमें इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम पीसी में ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फाइल कंट्रोल ब्लॉक कंटेंस इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल इज नोन एज द इन यूनिक्स फाइल सिस्टम बता रहा कि एक फाइल कंट्रोल ब्लॉक में फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है जिसे यूनिक्स फाइल सिस्टम में के रूप में जाना जाता है भाई किसके रूप में जाना जाता है एनोड के रूप में अनोड के रूप में ओनेड के रूप में या इनोड के रूप में है अ फाइल कंट्रोल ब्लॉक कंटेंस इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल इज नोन एज इनोड क्या इनोड इन द यूनिक्स फाइल सिस्टम इनोड ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इनोड क्या इनोड के रूप में है ना चलिए नेक्स्ट देखिए बता रहे कि इन विच टाइप ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर द वर्ड मेंटीसा इज देयर बता रहे कंप्यूटर कि में किस प्रकार के संख्या के निरूपण में मेंटिसा शब्द होता है इसमें इंटीजर नंबर है मेंटीसा शब्द किसमें किसके लिए होता है इंटीजर नंबर के लिए साइन इंटीजर नंबर के लिए फिक्स्ड पॉइंट नंबर के लिए या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए तो आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा कि इन विच टाइप ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर द वर्ड मंटीसा इज देयर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है उसको मिसा किसके मेंटीसा शब्द होता है जो कि इस प्रकार से क्या करता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम के रूप में निरूपण होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि व्हाट आर द टू डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा भाई साहब दो डिफरेंट मोड बताओ जल्दी से ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या एक देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के दो अलग अलग मोड हैं वो कौन है तो देखिए कर्नल मोड एंड लॉजिकल मोड दूसरा है सॉरी यहाँ फर्स्ट में है फिजिकल मोड एंड प्रिविलेज्ड मोड दूसरा है कर्नल मोड तीसरा एंड लॉजिक मोड तीसरा है सुपरवाइजर मोड एंड यूजर मोड और डी है यूजर मोड एंड कर्नल मोड तो आपका जो राइट right आंसर क्या हो जाएगा क्या होगा देखो यहाँ पर पहला क्या है फिजिकल मोड एंड प्रीविलेज मोड दूसरा है कर्नल और लॉजिकल मोड तीसरा है सुपरवाइजर मोड एंड यूजर दूसरा है यूजर मोड एंड कर्नल मोड तो आपका जो ऑप्शन होने वाला है वो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या यूजर मोड और कर्नल मोड ठीक है ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर डी क्या वट आर द टू डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर मोड दूसरा कर्नल मोड ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स री पोजिशनिंग विद इन अ फाइल नॉट एसे इन्वॉल्व एनी एक्चुअल इनपुट आउटपुट दिस फाइल ऑपरेशन इज आल्सो कॉल्ड फाइल कौन सा फाइल कहलाता है भाई साहब बता रहे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल के अंतर्गत रिपोजिशनिंग में आवश्यक नहीं है कि कोई वास्तविक इनपुट आउटपुट शामिल हो इस फाइल ऑपरेशन को फाइल भी कहा जाता है कौन सा फाइल बोला जाता है देखो यहां पर फाइंडिंग फाइल बोला जाता है या फाइल पोजिशनिंग बोला जाता है या फाइल लोकेटिंग बोला जाता है या फाइल सिक बोला जाता है क्या बोला जाता है तो वो बोला जाता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स रिपोजिशनिंग रिपोजिशनिंग विद इन अ फाइल डज नॉट नेसेसरीली इन्वॉल्व एनी एक्चुअल इनपुट आउटपुट दिस फाइल ऑपरेशन इज कॉल्ड फाइल क्या कौन सा फाइल वो हो जाएगा आपका सिक फाइल क्या सिक फाइल ऑप्शन नंबर डी विल द राइट आंसर सिक फाइल ठीक है चलो देखो अगला प्रश्न आपके सामने की डायरेक्ट मेमोरी एक्सेसिस इन एक्सेस एक्सेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टिल द एक्सेस एनी फ्रॉम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड किप्स इट वेटिंग द प्रोसेस इज नोन एज भाई सब ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से एक्सेस साइकिल चुरा लेता है और इसे प्रतीक्षा में रखता है इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कौन सा प्रोसेस कहते हैं तो देखो यहाँ पर साइकिल प्रोसेस बोला जाता है यानी साइकिल प्रोसेसिंग अगला है साइकिल वेटिंग या फिर अगला साइकिल स्टीलिंग या साइकिल फेसिंग तो देखो इसमें क्या होता है कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक्सेस जब साइकिल को वो क्या करता है चुरा लेता है तो इसे वेटिंग करना पड़ता है वेटिंग में रखता है इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साइकिल स्टीलिंग बोला जाता है क्या बोला जाता है साइकिल स्टीलिंग बोला जाता है ठीक है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम स्टील द एक्सेस साइकिल फ्रॉम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड कीप्स इट वेटिंग द प्रोसेस इज नोन एज साइकिल स्टीलिंग क्या साइकिल स्टीलिंग ठीक है चलो ऑप्शन नंबर सी विल राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है कि डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स अ की इज अ की मेड ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स विद इन अ टेबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई और रिकॉर्ड भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए टेबल के अंतर्गत दो या से बनी की होती है, उस की को क्या बोला जाता है कौन सा की के नाम से जाना जाता है देखो अल्टरनेट की के नाम से जाना जाता है मास्टर की के नाम से जाना जाता है या की के नाम से जाना जाता है या फिर कंपोजिट की के रूप में जाना जाता है तो इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक up, एक की 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 इज मेड जो दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट्स में होते हैं भाई साहब वो कौन सा की कहलाता है या कौन सा की हम उसे कहते हैं जल्दी से कमेंट करके फटाफट बता दो क्या होगा आंसर क्या अल्टरनेट की मास्टर की कंटेंटनेट की या फिर कंपोजिट की बताओ जल्दी से कमेंट करके फटाफट क्या होने वाला है ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर कंपोजिट की बोला जाता है क्या बोला जाता है कंपोजिट की ठीक है चलिए देखिए अगला है कि द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर सिस्टम हैज बिल्ट इन मेमोरी व्हाट लेवल ऑफ कैश मेमोरी इज दैट बता रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक निर्मित मेमोरी है वह किस लेवल की एक कैश मेमोरी है भाई किस किस लेवल का? देखो यहां पर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है लेवल वन हेयर ओनली बोरा केवल लेवल एक का दूसरा दिया है केवल लेवल वन और टू का दूसरा दिया है तीसरा दिया है लेवल थ्री और लेवल केवल लेवल थ्री का और डी ऑप्शन दिया है लेवल टू टू का दिया हुआ है तो किसमें तो देखो ऑप्शन नंबर बी देखो यहाँ पर लेवल वन और लेवल टू लेवल वन एंड लेवल टू है ना टू टाइप का जो है मेमोरी है यानी लेवल और लेवल टू टाइप का जो है कैश मेमोरी है ठीक है चलिए ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर लेवल वन एंड लेवल टू चलो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क भाई इसमें से बता दो जल्दी से ये बहुत ही इजी प्रश्न है आपके लिए ये बहुत ही प्रश्न है आपके लिए साथ में ये बहुत ही बीबीआई प्रश्न है आप लोग सोचते हो कि कंप्यूटर में बहुत ही हार्ड हार्ड सवाल पूछा जाता है भाई नहीं बिल्कुल नहीं आपका जो है सारा क्वेश्चन विंडोज से पूछा जाएगा बहुत ही इजी प्रश्न पूछा जाता है आप पहले ही भूत मत हो जाओ पहले ही डरो मत मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ के जाओ जितना सारा सेट मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं वो करते चले जाओ मैं आपको वादा दिलाता हूं कि आपका कंप्यूटर में ट्वेंटी स्कोर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है ठीक है तो आपको यहां से जल्दी से कमेंट करके बताना है, कि से कौन आपका नहीं है? देखो क्या है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है एम या फिर लोकल एरिया नेटवर्क एल या फिर डब्ल्यू या फिर टी देखो आपके सामने यहां से चार क्वेश्चन इस प्रश्न से आपका बन सकता है आपको पूछ देगा कि यहां पर देखो एम ए एन है क्या है एम ए एन आपको दे देगा ए एम एन स्टैंड फॉर दूसरा है एल ए एन मैंने आपको बताया था ना देखो एल ए एन दूसरा है तीसरा है डब्ल्यू ए एन और चौथा है टी ए एन टी ए एन आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम ए एन या फिर इज द फुल फॉर्म ऑफ एन या व्हाट स्टैंड फॉर डब्ल्यू एन ए एन ये सब पूछ सकता है और ये देखो चारों है एम ए एन का हो जाएगा मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क या फिर ट्रांसमिशन एरिया नेटवर्क तो यहां जो आपको पूछ रहा है प्रश्न पूछ रहा है कि भाई वो नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इनमें से कौन एक कंप्यूटर टाइप नेटवर्क नहीं है तो वो आपका हो जाएगा ट्रांसमिशन एरिया नेटवर्क इज अ नॉट टाइप ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क ओके क्या हो जाएगा डी टी एन जो है वह एक कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन अ कंप्यूटर नंबर सिस्टम वट इज द वैल्यू ऑफ बाइनरी एडिशन ऑफ जीरो एंड वन बहुत ही ईजी प्रश्न है क्या है इजी प्रश्न है बहुत ही ईजी प्रश्न है क्या बता रहा है कि कंप्यूटर संख्या प्रणाली में जीरो और वन के बाइनरी जोड़ का मान क्या होगा भाई सब क्या होगा एक होगा ना एक होगा बहुत ईजी प्रश्न है जीरो और वन वन ठीक है वन और वन क्या होता है कमेंट करके बताओ फटाफट फटा। बहुत ईजी है चलो अगला देखो इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिटरमिनेंट्स दैट डिफाइन द करेक्ट डेटाबेस स्टेट बता रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक हैं जो सही डेटाबेस स्टेटस को परिभाषित करते हैं भाई कौन है वो सही देखो क्या है रिलेशनल रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट्स स्कीमा डेटा तो देखो इसमें से रिलेशनशिप क्या करता है सारा डेटाबेस स्टेटस को परिभाषित करता है हैं? या फिर कंस्टेंट करता है या स्कीमा करता है या डेटा करता है तो भाई साहब जो कंस्टेंट है कंस्टेंट है वही क्या करता है कि सही डेटाबेस स्टेटस को परिभाषित करता है कौन कंस्टेंट हैं? कंस्टेंट क्या करता है सारे डेटाबेस स्टेटस को वो क्या करता है परिभाषित करता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वन एडवांटेज ऑफ द रिंग टॉपोलॉजी क्या है रिंग टॉपोलॉजी यूज इन कंप्यूटर नेटवर्क इज दैट इट वन एडवांटेज ऑफ द रिंग टॉपोलॉजी यूज इन कंप्यूटर नेटवर्क इज दैट इट क्या कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयुक्त रिंग टोपोलॉजी का एक लाभ यह है कि इसमें इसमें क्या कैन बी स्प्रेड ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस अगला है वेन अ वन मोड फेल्स इट डज नॉट अफेक्ट द इंटायर नेटवर्क तीसरा है फॉल्ट और प्रॉब्लम कैन बी इजिली ट्रैस इन कैस ऑफ नेटवर्क फेलियर चौथा बता रहा है यहाँ देखो है ना न्यू मोड्स कैन बी एडेड इजिली बता रहा है कि इसका एडवांटेज क्या है भाई साहब है एडवांटेज क्या है कोई एक एडवांटेज बता दो किसका रिंग टॉपोलॉजी यूज जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में होता है वो क्या है उसका लाभ क्या है क्या बता रहा है वो वो बता रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयुक्त रिंग टॉपोलॉजी का एक लाभ यह है कि इसमें क्या इसमें अधिक दूरी तक फैला जा सकता है इसमें अधिक दूरी तक फैला जा सकता है कैन बी स्प्रेड ओवर ऑ लंगर डिस्टेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर इसका लाभ यही है कि इसमें बहुत दूरी तक जो है स्प्रेड किया जा सकता है फैलाया जा सकता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा ये तो हो गया ना हाँ नाइनटीन होगा चलिए देखिए क्या है कि इन अ कंप्यूटर सिस्टम द इक्विपमेंट कम्युनिकेट्स विथ द मशीन थ्रू अ कनेक्शन पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज भाई साहब कंप्यूटर सिस्टम में एक कनेक्शन पॉइंट के माध्यम से उपकरण मशीन के साथ संचार करते हैं और उस पॉइंट को उस पॉइंट को किस रूप में जानते हैं किस रूप में जानते हैं कंट्रोलर के रूप में पोर्ट के रूप में मेमोरी के रूप में या बस के रूप में जाना जाता है इन कंप्यूटर सिस्टम द इक्विपमेंट कम्युनिकेट क्या है कम्युनिकेट विद द मशीन थ्रू अ कनेक्शन पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज नॉन एज पोर्ट नोन एज पोर्ट क्या पोर्ट कहलाता है वो है ना चलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर बता रहा है कि इन अ कंप्यूटर सिस्टम द इक्विपमेंट कम्युनिकेट्स विद द मशीन थ्रू अ कनेक्शन पॉइंट पॉइंट एंड इज़ एज अ पोर्ट नोन एज पोर्ट ठीक है चलिए बहुत इजी प्रश्न है इस प्रकार का प्रश्न अगर आप देख करके जाते हो सारे सेट को प्रैक्टिस सेट को आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका हंड्रेड परसेंट ट्वेंटी स्कोर कोई नहीं रोक सकता आपको ठीक है चलिए देखिए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ठीक है तो देखिए सबसे पहले आपका जो अंतिम प्रश्न है यह क्या बता रहा है इन मल्टीशियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स सिक्योरिटी डोमेन्स आर ऑर्गेनाइज हेरिचली इन अ स्ट्रक्चर बता रहा है कि मल्टीशियस ऑपरेटिंग सिस्टम में सुरक्षा डोमेन को संरचना में श्रेणीबद्ध के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है भाई में रिंग बस स्टार या ट्री ट्री के रूप में ट्री के संरचना में व्यवस्थित किया जा सकता है श्रेणीबद्ध किया जा सकता है जल्दी से बताइए कमेंट करके बहुत ईजी प्रश्न है आपके लिए आपका अंतिम प्रश्न आपके लिए बहुत ईजी है जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा किन ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी डोमेन्स एंड ऑर्गेनाइज्ड हियरी इन अ क्या का रिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा रिंग स्ट्रक्चर है ना रिंग स्ट्रक्चर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में सुरक्षा डोमेन को इसके रूप में इसके रूप में रिंग संरचना क्या हो जाएगा रिंग संरचना में श्रेणीबुद के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो आपने अभी तक जो भी आपका क्वेश्चन टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन हो चुका है आपको आज का क्वेश्चन कैसा लगा ठीक है अगर आपको मेरा वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगता है तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपका वीडियो आपका सेशन कैसा लगता है मेरा सेशन कैसा लगता है साथ में यह भी आपको कमेंट करना है कि आपका आज का स्कोर यानी आपका जो प्रैक्टिस सेट ट्वेंटी एट हुआ आज आप टॉप ट्वेंटी में से आपका स्कोर क्या रहा है ठीक है चलिए तो आपने सारा क्वेश्चन बढ़िया से देख लिया आशा करता हूं कि आपने देख लिया होगा अब सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई साहब अगर जरा सा भी वीडियो हमारा अच्छा लगता है मेरे दोस्त अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक कर दें साथ में कमेंट कमेंट तो आप करते ही रहते हो ये भी कमेंट जरूर करना है कि आपका टॉप ट्वेंटी में से स्कोर क्या रहा है ठीक है और शेयर दोस्तों को भी कर दो ताकि उनका भी कल्याण हो जाए और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस बार जो भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ सी के लिए सी के लिए वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना ताकि आपको सारा चीज नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे और आप अपना कल्याण कर सको ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कंप्यूटर का सेट ट्वेंटी नाइन लेकर के तो आज का सेशन पर समाप्त करते हैं जय हिंद जय भारत धन्यवाद